नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मिनी पचमढ़ी यानी छोटी पचमढ़ी यानी तामिया। और तामिया में इस समय बात करें, मौसम में काफी ज्यादा उमस है, गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन हम तामिया के मौसम के बात करें तो यहाँ पर अभी भी गर्मी के बीच जो नजारा है वो सुखद है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तपिश काफी ज्यादा है, लेकिन हल्का फॉग यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए इस गर्मी में भी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। और पहले हम आपको एक तामिया का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। इसे मिनी पचमढ़ी कहा जाता है और जब यहां पर फॉग होता है तो जो यहां का नज़ारा आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किस तरह का सुंदर और प्राकृतिक वातावरण यहां पर नजर आ रहा है। फिलहाल हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में यहां पर जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं, कुछ स्थानीय हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं। और ये जो तमाम लोग हैं आप देख पा रहे हैं, हालांकि अभी दोपहर का वक्त है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ फिर तामिया का जो सुनहरा मौसम है, जो सुनहरी वादियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी। और हिल स्टेशन जो तामिया है यहाँ पर एकदम मौसम कुछ समय बाद बदल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी धूप है, तपिश है, दोपहर का वक्त है, कई इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ स्थानीय भी हैं। क्या हाल है आपका? सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, कैसा है हमारा तामिया? अच्छा है सर। अच्छा है। हाँ। अभी धूप है, शाम को कैसा मौसम हो जाएगा? पता नहीं, इस इलाके में तो पहली बार आए। पहली बार आया? कहाँ से आए? ये जुन्नारदेव साइड से आए। जुन्नारदेव से आए, इतने समय बाद आप पहली बार आप यहाँ पर आए, कैसा है लगा तामिया आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम है? नीलेश। क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं। कुछ भी नहीं करते, तो पढ़ाई तो करते हैं ना? हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा लगा तामिया? बढ़िया। बढ़िया लगा। शाम के मौसम आपने देखा है यहाँ पर कैसा? नहीं, किस तरह का? पहली बार आए। पहली बार आए आप? ये नहीं, आप कोई इससे पहले कोई आए आप लोगों में से कोई यहाँ पर? हाँ सर, मैं आया हूँ। आप आए हैं जी। कितने समय बाद मौसम बदल जाएगा, जो फॉग है यहाँ पर कितने समय बाद दिखेगा? समथिंग 5:30 बजे यहाँ से थोड़ा शाम सा लगने लग जाते हैं, जो सामने जो टेक है ना। हाँ। उससे उधर उधर ना फिर सूर्य नहीं दिखता, सूरज दिखना बंद हो जाता। हाँ, है बंद हो जाता है। खासियत क्या है तामिया की? खासियत वही है कि हिल स्टेशन मिनी पचमढ़ी कहा जाता है इसे जी। क्या सर्दी भी ज्यादा रहती है यहाँ पर? पता नहीं उसका, मैं अभी सेकंड टाइम ही आया। अच्छा, सेकंड टाइम आया, इतना आप एंजॉय नहीं कर पाए अभी जी। और देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका क्या हाल है? क्या गिटार बजाते हैं आप? नहीं 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 बजाते। फोटो शूट पे आए हम लोग। अच्छा, फोटो शूट कराने घूमने आए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग नवेगांव क्षेत्र से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है फिर भी 70 किलोमीटर। पहली बार आए कि पहले आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं। हाँ। क्या करते हैं साहब आप? कॉलेज। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जी। क्या करना है, क्या करते हैं अभी? किस चीज़ की पढ़ाई? बी ए हो बी ए। हाँ। अच्छा, बी ए कर रहे हैं जी। तामिया कैसा है? एक नंबर, बहुत अच्छी जगह है। शाम को तो और भी अच्छा लगता है। शाम को यदि तामिया हमें घूमना हो जी तो कितने बजे आना चाहिए? तामिया आपको जैसे शाम को आ गए 4:30 के बीच में तो आपको 6 बजे तक बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। और सुबह भी आ सकते हैं आप। सुबह कितने बजे तक? और सर्दियों के टाइम में तो और अच्छा लगता है। सर्दी के टाइम और अच्छा लगता है। फॉग जो है, फॉग कब बन जाता है? वो सर्दियों के टाइम के। सर्दियों में अभी भी तो देखो धुंधला धुंधला तो रहता है, तो ये सुबह शाम नजर आ रहा है अभी जी। यानी घूमना है तो दोपहर के वक्त ना आए? नहीं, हाँ, सुबह और शाम के। सुबह और शाम के वक्त। सुबह और शाम के वक्त आए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्या नाम है आपका? नीलेश। क्या करते हैं? मैं अभी तो फोटो शूट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप। हाँ। कैसा है तामिया? बहुत अच्छा है। खासियत क्या है यहाँ की? खासियत तो नहीं पता। प्राकृतिक वादियाँ। हाँ। यहाँ पर सुना है कि सुबह शाम खड़े हो जाएं तो गर्मी कितनी भी हो, यहाँ हवा सिर्फ सर्द ठंडी चलती है। हम तो पहली बार आए, आज ही आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। फिर कभी आना चाहेंगे? अभी और आएंगे ना। आना चाहेंगे फिर? अभी फिर लोग हैं जो पर्यटक हैं, एक बार फिर आना चाहेंगे, लेकिन अभी चूंकि आप देख पा रहे हैं कि जो दोपहर का मौसम है, दोपहर का वक्त है, उस समय भी लोग यहां पर आ रहे हैं। तामिया की खासियत ये है कि ये प्राकृतिक वादियां लोगों को खींच लाती हैं अपनी ओर।
और जो मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों से महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ से भी लोग जो पर्यटक हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप ये दृश्य देख पा रहे हैं प्राकृतिक वातावरण तामिया का, और इस तामिया के इसी स्थान से सुबह शाम ठंडी हवाएं अभी भी गर्मी के समय भी चलती हैं, और सुबह शाम यहाँ भी अभी भी फॉग देखने को मिलता है। कुछ पर्यटक यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हाल है आपका? ठीक है। बढ़िया है। कैसा है मौसम यहाँ का? अच्छा है। अच्छा है। इससे पहले कभी आए हैं आप? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? आए हैं। पहले भी आए हैं? आपका आना हुआ है पहले कभी? नहीं, पहली बार। पहली बार। कहाँ से हैं आप? बेलखेड़ी। कितना दूर है यहाँ से? काफी दूर है क्या? 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर। कैसा लगा यहाँ का नजारा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या कहेंगे तामिया के बारे में? सब कुछ। और इस समय हम देखें कि जो लोग हैं, जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, एक बार फिर हम तामिया का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। आप इस जगह जो मौजूद हैं यहाँ पर सुबह या शाम के वक्त जब हम खड़े होंगे तो टेम्परेचर कितना भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ से जो हवाएं हमेशा ठंडी आएंगी, और सुबह शाम को गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर आपको फॉग नज़र आएगा। और सर्दी और बारिश का तो सबसे जो मौसम है सबसे सुहाना मौसम कहा जाता है, बारिश से जो तामिया का मौसम सुहाना होता है पूरे सर्दी भर ये मौसम बना रहता है। फिलहाल हम तामिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जो यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं जो पहली या दूसरी मर्तबा यहाँ पहुँचे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या नाम है? रुद्र श्रीवास। रुद्र? रुद्र कहाँ से हैं आप? न्यूटन जी। न्यूटन? न्यूटन कहाँ है न्यूटन साहब? न्यूटन परासी के इधर। अच्छा, परासी आगे यही है। हम न्यूटन नाम है ना साइंटिस्ट, तो हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं कोई फेमस जगह हो, अलग से जगह हो। कितना दूर है न्यूटन यहाँ से? 26-28 किलोमीटर। 26-28, यानी आप इस पूरे इलाके से परिचित हैं। क्या कहें, तामिया की खासियत बताइए ना, किस तरह का तामिया है? बहुत अच्छा है यहाँ का लुक भी, बहुत शानदार दिखता है। लुक तो बहुत अच्छा दिखता ही है, दृश्य बहुत शानदार दिखता है, मनोहर दिखता है। यहाँ से कुछ दूरी पर पातालकोट भी है, कितना होगा लगभग? वो उसका अंदाजा नहीं है। अंदाजा गए हैं लेकिन पता नहीं है कितनी दूर है, मतलब आगे ही पातालकोट है लेकिन। हाँ। कह सकते हैं कि हम पातालकोट के दूसरी तरफ मौजूद हैं। हाँ। एक तरफ तामिया है, दूसरी तरफ पातालकोट। हाँ। कितनी बार आना हुआ आपका यहाँ? 5 से 6 बार। 5 से 6 बार आ चुके हैं आप। सबसे अच्छा मौसम कब रहता है, बारिश के समय, सर्दी के समय? ठंड के समय कुछ अच्छा मौसम रहता है यहाँ का, सर्दी के समय। बारिश में भी तो अच्छा ही लगता है। बारिश में भी अच्छा ही लगता है। बारिश में भी अच्छा मौसम रहता है और सर्दी के समय अच्छा मौसम रहता है। और हम ये तामिया का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि अभी दोपहर का वक्त है, लेकिन जो पर्यटक तामिया आए हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, दोपहर के वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दोपहर में भी तामिया का जो मौसम है वो इंजॉय करने लायक है। मध्य प्रदेश के हम अलग जिलों की बात करें तो गर्मी इतनी है कि आप सीधे सड़क पर निकलने में आपको परेशानी होगी, लेकिन तामिया का मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। क्या कैमरे पर बिल्कुल फोटो जा रही है? यस सर। क्या नाम है आपका? अभय। अभय कहाँ रहते हैं आप? चिन्नारदेव। चिन्नारदेव में। तो आज फोटो शूट के लिए क्या इस इलाके में जो सबसे अच्छा स्पॉट है? हाई स्पॉट है सर, यहाँ भी है और इधर बाहर भी है, छोटा महादेव हो गया। तो किस तरह के फोटो शूट चल रहे हैं आपके? सर ये नॉर्मल इंस्टाग्राम FB पोस्ट करने के लिए फोटोग्राफी होती है बस। ओके, तो ये कंटिन्यू चलता है क्या? आप फोटोग्राफी करते हैं यहाँ? कंटिन्यू चलता रहता है यहाँ? कंटिन्यू नहीं चलता, अलग अलग मतलब लोकेशन पे सोशल साइट्स के लिए। तो यूथ उसके लिए बकायदा प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फोटो भी शूट कराते हैं। हाँ। और वेडिंग मतलब वेडिंग शूट और शादियों के भी ऑर्डर चलते हैं यहाँ पर। प्री वेडिंग शूट होता होगा? हाँ होता है। तो कोई परमिशन लेना होती है फिर? नहीं, यहाँ तो हो जाती है वो। इधर साइट है मतलब रेस्ट हाउस, वहाँ परमिशन लेना पड़ता है। ओके, यदि जो तामिया के इस एरिया में आके प्री वेडिंग शूट कोई कराना चाहे तो कोई परमिशन नहीं चाहिए? करा सकते हैं। करा सकते हैं, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर है, एक बार फिर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अभय कचाए। अभय, आप इनको सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आप तामिया में मौसम का लुत्फ तो उठा ही सकते हैं, लेकिन यदि आप फोटो शूट कराने के शौकीन हैं तो तामिया आ जाइए। और दोपहर का वक्त है तो भी यहाँ पर फोटो शूट है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम है, मौसम पचमढ़ी जैसा है। पचमढ़ी से कह सकते हैं कि इस स्पॉट पर हमेशा जो मौसम है अच्छा ही रहता है, और सुबह शाम आप फोटो शूट कराना चाहें तो सबसे
बैठा है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यूथ यहाँ पर मौजूद हैं और फोटो शूटिंग जारी है। आपने खिंचवाया है फोटो? जी। क्या करेंगे आप? सर मैं बहुत टाइम से खिंचवाता हूँ वैसे तो। अच्छा, क्या करते हैं फोटो का आप? नहीं, वो खाली ऐसे सोशल मीडिया के लिए क्लिक करवाते हैं। सोशल मीडिया जी। तो शौक है आपका या फिर कुछ इससे इनकम भी हो जाती है आपकी? नहीं, इनकम नहीं होता, बस ऐसे ही। सुना है कि बहुत सारे व्यूज आ जाएं तो कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। रील्स वील्स भी बनाते हैं तो। बनाते हैं आप जी? कुछ इनकम हो पाती है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी शुरू नहीं हुआ? अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप में से तो कोई है जो रील्स बनाते हैं, कुछ पैसे आने लगे हों सोशल मीडिया से? नहीं सर, वो फर्स्ट टाइम ही आए फोटो शूट पे फ्रेंड्स लोग के साथ सर। अच्छा जी, कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बढ़िया। बहुत दिनों से नाम सुने थे तामिया का, हमसे कम हमारा गांव यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है दूरी उसकी, बट आज पहली बार आए तो बहुत अच्छा लगा। 70 किलोमीटर दूर है आप? हाँ। तो पहली बार आए इतने जी, तो अब तक क्यों नहीं आ पाए थे? अब सर यहाँ पे नहीं पढ़ते थे हम लोग, मामला में पढ़ते थे ना इसीलिए। अच्छा। यस, इसीलिए। खासियत क्या है तामिया की? तामिया सर छोटा माध्यम माना जाता है इनको, नीचे साइड में भी कुछ है झरना वरना टाइप का ऐसा देखने लायक बोले, पर हम लोग गए नहीं आज तक। आज जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे, सोच रहे सर अगर टाइम ज्यादा मिल जाए तो चले जाएंगे सर, क्योंकि शाम से पहले ऊपर भी आना होगा। यस सर, ये बड़ी बात है जी सर, डर भी रहता है उधर, पूरा जंगल एरिया है ना सर उधर, इसीलिए सर। क्या डर है यहाँ पर, कोई क्या जानवर होते हैं क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ सुनने में तो नहीं आया, पर जंगल है तो सर अपने को भी डर लगता ही है। थोड़ी सेफ्टी जरूरी जी सर, अपनी सेफ्टी अपने साथ में सर, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। फिलहाल हम तामिया में हैं और चलिए तामिया का एक बार फिर पूरा जो दृश्य है हम आपको पहले चलते हैं कि तामिया जो है छिंदवाड़ा रोड पर मौजूद है और पूरा ये हिल स्टेशन है। हम तामिया में मौजूद हैं और तामिया के मौसम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तामिया में तमाम जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये देखिए तामिया आप आए हैं और तो आपको चूल्हे की रोटी भी यहाँ पर मिल जाएंगी। जो रसोई है खासियत यह है कि चूंकि पूरा ये हिल स्टेशन है और ऐसे में आप चूल्हे की रोटी की शौकीन हैं तो वो भी आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ये समय देख पा रहे हैं कि तामिया में चूल्हा जला हुआ है। ये रोटी क्या गेहूं की रोटी है? क्या मक्के की रोटी है जी? कितने समय तक मिल जाती है यहाँ पर? 6:30-7:30 तक मिल जाती है। और सुबह कितने बजे शुरू होती है? सुबह 8:00 8:00 से जी। तो कौन कौन सी रोटी बनाते हैं? मक्के और मक्के की रोटी बनाते हैं, ज्वार की रोटी बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, आप जो भी रोटी खाना चाहें यहाँ पर चूल्हे की रोटी बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और ऐसा नहीं एक जगह, आप इसके बाद देखें तो यहाँ भी जो चूल्हा वो लगा हुआ है। कैसा आप तामिया, बिल्कुल देसी है? देसी सर, गैस की रोटी नहीं चलती यहाँ, चूल्हे की रोटी। चूल्हे की रोटी कैसे देते हैं आप ये रोटी? एक रोटी 20 रुपए की, उसके साथ 5 चटनी टमाटर की। एक रोटी 20 रुपए की। हाँ। और टमाटर की चटनी, बैगन का भरता और हरी मिर्च की चटनी, आम की चटनी और चने की भाजी, ये सब 5 चटनी एक रोटी के साथ। एक रोटी के साथ 5 चटनी, जरा चटनी दिखाएंगे किस तरह की चटनी होती है आपकी? ये टमाटर की चटनी है, ये बैगन का भरता है, ये चने की भाजी है और ये हरी चटनी। ये हरी चटनी है। हाँ, और ये आम की चटनी। आम की चटनी भी है। हाँ। तो अभी कैरी मिल पा रही है यहाँ पर? हाँ मिल पा रही है, यहाँ तो आम के बाहर तो होते ही। यहाँ पर पर्यटक जो है ये चूल्हे की रोटी पसंद करते हैं? हाँ, बहुत से लोग पसंद करते हैं। पसंद करते हाँ। हैं। कितने साल से आप ये यहाँ पर अपनी रसोई सजाए हुए हैं? दो साल हो गए। ये आम भी कहा जाता है किस एरिया में जो आम है? कौन से आम है ये? तोतापरी आम। तोतापरी कैसे दिए साहब ये? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो, मतलब कोई महंगा नहीं है? नहीं। 60 रुपए किलो तोतापरी आम है, वो बड़ी आसानी से आपको तामिया में मिल जाएंगे। भुट्टे का सीजन हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन ये भी मौजूद है साहब यहाँ पर। तो कहाँ से लाए भुट्टे? छिंदवाड़ा से लाए। छिंदवाड़ा से लेकर आए। तो आप देखिए तामिया में जो जिस तरह से मौसम है, प्राकृतिक वातावरण है और उस तरह के प्राकृतिक वातावरण के बीच जो गांव का देसी स्वाद है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो छोटी छोटी दुकान स्थानीय लोग हैं उन्होंने सजा रखी हैं और रोजगार भी उनको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि दोपहर का वक्त है और बाजरा, मक्का, ज्वार, उसकी जो रोटी हैं यहाँ उपलब्ध हैं। आप देखिए प्राकृतिक वातावरण के बीच लोग एक पूरा परिवार आया हुआ है, फैमिली आई हुई है। फैमिली से है। साहब क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हाँ। कहाँ से हैं आप? हम हैं जुन्नारदा से जी, और बढ़िया फैमिली के साथ आए हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह है।
एक एंजॉय कर रहे हैं कि एक कूल कूल लग रहा है, कूल कूल लग रहा है। हाँ। पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार देख लिया आप, खाना देख लिया आप, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, पूरी सब्जी घर का खाना लगा है, घर का खाना। हाँ? अब यहाँ भी चूल्हे की रोटी बड़ी सिक रही है, बहुत बढ़िया बनती है चूल्हे की रोटी। यहाँ हमारे यहाँ ये होता है कि उसमें मट्टी मतलब लकड़ी से उसके जो सिका हुआ होता है वो इतनी बढ़िया रोटी बनती है कि फुली फुली होती है। तो खाने का एक अलग आनंद होता है। तो आप क्या आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, हम हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। आज फिर वक्त निकाल लिया? आज वक्त निकाला, परिवार के साथ थे तो खाना खाने आ गए। ये देखिए पूरे परिवार के साथ लोग इस गर्मी के मौसम में तामिया के मौसम का लुत्फ उठाने यहाँ पर पहुँचे हैं। परिवार के और सदस्य भी मौजूद हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। क्या कहेंगे तामिया के बारे में? तामिया पर्यटक स्थल है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, एक एटमॉस्फेयर चेंज भी होता है, अच्छा लगता है, मानसिक शांति मिलती है, इसलिए लोग आते हैं। इस समय हम बात करें, दोपहर का वक्त है और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की बात करें तो वहाँ तो बिना एसी के रह पाना मुश्किल हो जाता है। आपको कितनी गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पर? ये नेचुरल एटमॉस्फेयर है और नेचुरल में अगर आप रह रहे हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं, एसी तो इसके आगे काम ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता। वो खुद ही नेचुरल एसी है ना, तो उसमें काम ही नहीं करता है। बार बार आते रहते हैं आप? हाँ, जब भी एक्चुअली मैं एडवोकेट हूँ जी, जब भी मुझे छुट्टियाँ मिलती है मैं यहाँ आ जाता हूँ। कहाँ आप एडवोकेट कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा से आए? तो आप छिंदवाड़ा शहर से आए हैं? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे एक तहसील है जुन्नारदेव जी, वहाँ से आई, जुन्नारदेव से आए हैं। यहाँ तो पर्यटक है मध्य प्रदेश के और दूसरे इलाकों से भी आते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर समय कौन सा है जब तामिया घूमा जाए, जो मध्य प्रदेश के बाहर के पर्यटक हैं वो किस समय आए? ठंड के समय तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ, गर्मी में तो थोड़ा सा रहता ही रहता है, ऐसा नहीं, लेकिन ठंड के समय थोड़ा और अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। सर्दी के समय आएंगे तो पूरा यहाँ पर हिल स्टेशन का जो वेदर है वो देखने को मिलेगा आपको। बारिश के समय कभी आपका आना हुआ? नहीं, बारिश में तो नहीं आना होता है, बारिश में तो संभव नहीं होता है आना, क्योंकि बारिश भी ज्यादा होती है तो उस समय तो। आपका क्या नाम है? जी राघवेंद्र सोनी। राघवेंद्र, राघवेंद्र आप कौन सी क्लास में है? मैं नाइन्थ में है। नाइन्थ क्लास में है। तामिया कितनी बार आना हुआ? नहीं, आज तो मैं पहली बार आया हूँ, मेरे परिवार के साथ। फर्स्ट टाइम आए? हाँ। वैसे अकेले आए हैं आप कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं आए। नहीं। कैसा लगा तामिया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। देखिए पा रहे हैं हम पूरी की फैमिली यहाँ पर मौजूद है और फैमिली के बीच फैमिली के तमाम यहाँ मेंबर हैं, पूरे परिवार के साथ आज एंजॉय यहाँ पर करने आए हैं। क्या कहेंगे आप तामिया को लेकर? भोलेनाथ की नगरी है जी, और भोलेनाथ की नगरी तो बहुत सुंदर है, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद है, भोलेनाथ की यहाँ पर नगरी है। यहाँ पर छोटे महादेव का स्थान भी है जी। जी जी जी। कहाँ पर है? बड़ा महादेव है ना यहाँ से, यहाँ से 30 किलोमीटर करीब बड़ा महादेव। सब यहाँ पर छोटे महादेव हैं या बड़े महादेव हैं? यहाँ पे छोटे महादेव हैं जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर नीचे में हैं जी। जब 500 मीटर नीचे की दूरी पर जाते हैं जी, फिर उसके उठ के आते हैं जी। तो उस बीच में सारे लोगों का वो रहता है कि वर्णन के हाँ बढ़िया, तो एक एंजॉयमेंट होता है लोगों को घूमने फिरने का। छोटे महादेव ये विराजमान है, छोटे महादेव की ये नगरी है। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या करते हैं साहब आप? मैं 12th में हूँ। 12th में हैं। हाँ। और तामिया के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा वेदर है इधर, और अच्छी जगह घूमने के लिए, फैमिली घूमने के लिए, फैमिली के हिसाब से अच्छा है। आप पहली बार आई हैं? आते रहती हैं आप? हम तो आते रहते हैं। आते रहते हैं, बहुत बार आए, मतलब तामिया घर ही है आपका? यहाँ से 28 किलोमीटर है, तो अक्सर हम लोग जब भी मन हुआ तो आनंद लेने आ जाते हैं। पूरा थोड़ा सा तामिया के बारे में बताइए ना, कैसा है तामिया? हमारे जो दर्शक हैं मध्य प्रदेश के, जो बाहर के लोग हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचे। तामिया तो बहुत खूबसूरत जगह है और चारों तरफ हरियाली मिलेगी आपको, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ के, सहयोगी भी है सारे लोग, और जब यहाँ आते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। यहाँ आने के बाद उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है, और पर्यटक है जो यहाँ के आसपास के इलाकों के लोग हैं वो बता रहे हैं, और उन लोगों के लिए मैसेज भी है कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं जो तामिया आना चाहते हैं, तामिया आ जाएं, और यहाँ के लोग हैं बड़े सहयोगात्मक हैं, जो भी सहयोग चाहिए आसानी से करते हैं। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। यहाँ के लोगों का नेचर तो बहुत ही बढ़िया है कि आपको जब जिस चीज की जरूरत पड़े वो सारी आपको बराबर देंगे,
ऐसे ये हर हर महादेव के यहाँ पर नारे नारे भी गूंज रहे हैं, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हमारे यहाँ का क्या है कि हमारा पचमढ़ी पास में है जी, पचमढ़ी हमारे यहाँ पास में है, हमारे क्या भोले बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तो हमारे यहाँ का नियम है जब तक हम हर हर महादेव न बोले तब तक हमारा कुछ नहीं होता। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय महादेव। आपका क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है। पहले कभी आना हुआ? आते रहते हैं सर, हमारा घर यहाँ से 28 किलोमीटर दूरी पे है, पास में ही है। पास में क्या है। कहेंगे तामिया के बारे में? बहुत अच्छा एडवेंचरस स्पॉट है यहाँ पे, सब कुछ अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, घूमने लायक जगह है। और हम फिलहाल हम चारों तरफ नजर डालें तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण के बीच यहाँ पर पर्यटक लगातार आ रहे हैं। बड़ी बात है ये है कि दोपहर के समय भी यहाँ पर आपको पर्यटक मिल जाएंगे, दोपहर के वक्त भी मौसम अच्छा है। और आप खाने पीने के शौकीन हैं, आप गांव के जो देसी खाना है उसके शौकीन हैं, तो चूल्हे की रोटी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये हम तामिया में मौजूद हैं और तामिया को बारे में जो अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम बात करें, सरकार यहां पर गेस्ट हाउस है और कर्मचारी यहां पर काम भी करते हैं। साहब आपका हाल क्या है? सर बढ़िया है सर, यहाँ तो हालचाल बढ़िया है जी। अभी तो हम क्या मोटर यहाँ की हो गई खराब, हम मोटर सुधारने जा रहे हैं अभी। जी जी। मौसम यहाँ पर सुबह शाम ठीक रहता है? हाँ बिल्कुल बढ़िया रहता है। कल तो अच्छा कोहरा छाया हुआ था, बिल्कुल मौसम था, बिल्कुल कोहरा छाया था, बिल्कुल बहुत बढ़िया कोहरा छाया हुआ था। आप तो इसके आनंद लेते रहते हैं? हम तो 24 घंटे रहते हैं यहाँ पे, तो 24 घंटे आनंद लेते रहते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि जो यूथ है, यूथ दिन के समय यहाँ पर यूथ भी मिल जाएंगे और आसपास के जो इलाकों के लोग हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि इंजॉय कर रहे हैं, मौसम का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। अब आप यहाँ से जा रहे हैं, जाने वाले हैं, क्या मैसेज है तामिया को लेकर? सर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा घूमने के लिए, प्लेस भी अच्छा है, घूमने लायक प्लेस है, और शाम में और मॉर्निंग के टाइम में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। यदि आप आसपास के इलाकों में रहते हैं तो सुबह शाम तामिया आ जाएं? सर हम तो बहुत दूर रहते हैं, 70 किलोमीटर दूर रहते हैं हम यहाँ। बहुत दूर कहाँ हुआ 70 किलोमीटर? मैं बोले तो नवेगांव बरेली पार। अच्छा बरेली पार। हाँ आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाह रहा। कुछ नहीं कहना चाह रहे, अभी तो बस जो मस्ती में मशगूल हैं, यूथ है और अपने हिसाब से यूथ यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। कब आएंगे अब आप? अब सर आते रहते हैं सर, हम तो आते रहते हैं। हाँ। अब फिर आएंगे? हाँ फिर आना होगा, अगले मंथ फिर आएंगे घूमने को, अगले महीने। तब तक तो बारिश जो है बहुत कुछ हो तो चुकी होगी। नजारे अच्छे अच्छे रहते हैं ना, फिर हरियाली रहती इधर, घूमने को देखने को बहुत अच्छा मिलता है। आपके आसपास के इलाकों की बात करें तो और कौन कौन से स्पॉट हैं इस तरह के? इधर तो उतना पता नहीं है मेरे को, तामिया पता है लेकिन। तामिया को एंजॉय कर रहा है। तब आप तो यहाँ पर हर दिन आते हैं या फिर? सर हफ्ते में दो तीन बार आ ही जाते हैं। तो ठीक चल रहा है आपका बिजनेस? हाँ ठीक चल रहा था। तामिया मतलब ठीक ठाक बिजनेस कर रहा है? ठीक ठाक। अभी बारिश में क्या होगा, पर्यटक बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे? बारिश में बढ़ते सर, बढ़ेंगे। शाम और सुबह मतलब बहुत ज्यादा भीड़ में आते हैं। भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा भीड़? हाँ सुबह शाम मतलब वेदर बहुत अच्छा रहता है सुबह शाम, ठंडी और बारिश में। चलिए हम एक बार फिर तामिया का आपको नजारा दिखाते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा में तामिया है किस तरह का तामिया है। तामिया की बात करें तो तामिया छिंदवाड़ा जिले का एक एरिया है और इसी नाम से इस तहसील मुख्यालय का नाम भी है। तामिया में आप जो प्राकृतिक वादियां देख पा रहे हैं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए तामिया काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मिनी पचमढ़ी, छोटी पचमढ़ी भी कहा जाता है। दरअसल हम बात करें तो ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों के में ये भी बात निकलकर सामने आती है कि पहला हिल स्टेशन जो बनाने की योजना थी वो तामिया थी। उस समय ये तामिया लोग पहुंचे थे, अंग्रेजों के समय इसकी खोज हुई थी। और इसके साथ ही भारिया जनजाति का जो पातालकोट स्थान है, पातालकोट में जो भारिया जनजाति रहती है वहां से कुछ दूरी पर ये तामिया स्थित है। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि तामिया में जिस स्पॉट पर हम खड़े हुए हैं यहाँ से जो प्राकृतिक वातावरण के बीच जो तमाम पहाड़ी एरिया है वो नज़र आ रहा है। हालांकि इस समय हम दोपहर के वक्त की बात करें तो हल्की धुंध, कोहरा, जो फॉग है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे जैसे ये दोपहर ढलेगी वैसे ही फॉग बढ़ता जाएगा और कुछ ही समय बाद यहाँ पर जो सुंदर दृश्य है वो नज़र आएगा।
और फिलहाल हम जो पर्यटकों की बात करें तो यहाँ पर पर्यटक भी आ रहे हैं। आपका क्या हाल है? अच्छा लगता है यहाँ घूमकर। अच्छा लगता है घूमकर जी, आते रहते हैं आप जी। और एक जो है हम देख पा रहे हैं कि जो एक छोटा सा ग्रुप यहाँ पर और मौजूद है और तामिया के बारे में समझेंगे, उनसे बात करेंगे। ये हम चारों तरफ देखें तामिया में तो चारों तरफ का जो एरिया है पूरी तरह से प्राकृतिक है, हिल स्टेशन ये तामिया है। आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया है। हाँ। कहाँ से हैं आप? ये तामिया से। तामिया से ही हाँ। है तो तामिया तो आपका घर ही है फिर। हाँ। कैसा है तामिया? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? बहुत दूर दूर से। बहुत दूर से यानी मध्य प्रदेश के बाहर से भी आते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आते हैं। बारिश में सर्दी के समय तो बहुत लोग आते होंगे यहाँ पर। हाँ, बहुत। क्या कहेंगे तामिया के बारे में? जी तामिया तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत शांति रहती है। यहाँ इस स्थान पे शांत स्थान है तामिया। और तामिया में हम एक बार फिर आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि तामिया का वो दृश्य जिसके लिए, जिस स्पॉट पर खड़े होने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँचते हैं। और सुबह और शाम के वक्त इस समय यहाँ का जो नज़ारा है वो घूमने लायक है। यदि आप अभी गर्मी के समय भी तामिया आना चाहें तो आएँ, लेकिन जो समय है वो यदि सुबह और शाम का रहे तो ज़्यादा ठीक है, आप इस स्पॉट का, इस मौसम का लुत्फ़ उठा सकेंगे। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 तामिया।